जाड़े को भी हमने हराया और परमेश्वर ने हमारे लिए आज के दिन नई आशीष है। आपकी गवाहियां कुछ इसी तरीके से हो सकती है आने वाले दिनों में, तो उस दिन हम आ नहीं पा रहे थे, आने का दिल नहीं था, ठंड बहुत थी, घर वाले रोक रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने रास्तों को खोला, उपाय किया और वो दिन और उस दिन की रात मेरे जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन होने लगे, ऐसा विश्वास करता हूं। क्योंकि जब परमेश्वर को देना होता है ना, तो कहीं से उठा करके ले आता है, हमारे विचार भी नहीं होते आने के, लेकिन फिर भी परमेश्वर देता है और हम लोगों को क्या करता है, ब्लेस क्या करता है। आगे हमको इस बात को सिखाती है, जो भी उसके पास आएगा वो नाश नहीं होगा परंतु तो इस बात को ध्यान रखिए कि हम सब अनंत जीवन प्राप्त करने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम सब अनंत जीवन प्राप्त करने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें, मोक्ष और भाषा में बोले तो निजात, और एक और शब्द बोले उद्धार, यदि एक और शब्द इंग्लिश में ऐड कर दे तो सल्वेशन। ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लोग अपनी अपनी भाषा में इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को सीख करके समझ करके आगे बढ़ना है। मोक्ष शरीर का नहीं होता, बस इस बात को जरूर से सीखें, क्योंकि लोग कहते हैं ना मरने के बाद में शरीर का मोक्ष हो गया, शरीर का मोक्ष नहीं होता, आत्मा का मोक्ष होता है। और उस आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए धरती पर कार्य किए जाते हैं, उस आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए, निजात दिलाने के लिए धरती पर कार्य किए जाते हैं। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान, क्या बने, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान लोगों ने बनाए अपने तरीके से, कि इस तरीके से धर्म की बातों का पालन करो तो मरने के बाद में तुम्हारी आत्मा का मोक्ष हो जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमको और आपको जब तक उस परमेश्वर के विषय का सटीक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और सटीक तरीके से हम उसके पीछे चलना आरंभ नहीं करेंगे तो हमारे संसार के सारे अनुष्ठान धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए मुख्य बात है उस परमेश्वर की नॉलेज रखना, उस परमेश्वर के प्रति जो हमारा ज्ञान है वो क्या है और कितना है वो हमको जानकारी जाकर के लेनी है ऐसे स्थान में कि आप परमेश्वर को जान सको। आपसे पूछे विज्ञान क्या होता है तो आप उसको परिभाषित कर सकते हो, आपसे पूछे इंसान क्या होता है तो आप उसे परिभाषित कर सकते हो, लेकिन आपसे पूछे कि आप परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हो तो उसे परिभाषित कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर कौन है उसे परिभाषित नहीं कर सकते, परमेश्वर कैसा दिखता है उसे परिभाषित नहीं कर सकते। परमेश्वर इस धरती पर क्यों है उसे परिभाषित नहीं कर सकते,
धरती पर आया उसे परिभाषित नहीं कर सकते। बहुत कुछ लोगों को ज्ञान पता है तो उस ज्ञान के पीछे पीछे चलते हैं और आशीषित। आज जब आराधना हुई, बंधन टूटे, लोग पवित्र आत्मा की आग में भरे, दिस इज द गॉड, ये परमेश्वर था जिसको आप देख नहीं पाए, जिसको आप देख नहीं पाए, क्योंकि वो किसी की आंखों में नहीं आता, सिर्फ एहसासों में। आमेन। वो किसी की आंखों में नहीं उतरता, ऐसा सुनो। ये यूं ही आत्मा में रो रहे थे, ये परमेश्वर की उस तेज को, उस अग्नि को देख पा रहे थे, क्योंकि आत्मिक आंखें खुल तब देख पा रहे। संसारिक आत्मा आंखों से हम उस परमेश्वर के तेज को, उसकी योजना को देख नहीं सकते। आत्मिक आंखें खुलनी जरूरी, इसमें आत्मिक आंखें खुलने के लिए धार्मिक अनुष्ठान सहायक नहीं होंगे। नहा करके आना सहायक नहीं होगा, खूबसूरत बन करके आना सहायक नहीं होगा, दिल से आना और उससे बात करना ही सहायक होगा। आमेन। दिल से आकर के उसको खोजना ही सहायक होगा, तब वो मिल जाएगा, बड़ी सहजता से मिलेगा। हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं, मिल जाए प्रभु नहीं मानते, सहजता और सरलता के साथ में प्रभु। आमेन। सिंपल तरीके से मिलता है, इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है वो परमेश्वर। आप अभी परमेश्वर को जानेंगे, कोई कहता कठोर है, कोई कहता निर्दयी है, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, लेकिन शायद परमेश्वर के हृदय को कोई नहीं जाना, परमेश्वर के हृदय को कोई नहीं जाना। जब लोगों ने अवतार लिया तो एलिया आ गया, एलिशा के अवतार ही था। अवतार किसको कहते हो आप? आप तो उसी को कहते हैं जो भलाई की दान करते ना, वही अवतार है। तो मेरे लिए एलिया अवतार है, दूसरा अवतार है, और चंद्रक मेशक अबेद नेगो सब अवतार है, सारे काम भलाई के करे, शायद इनसे ज्यादा भलाई किसी ने नहीं करी होगी। जेलों में डाले गए, मारे गए, पीटे गए, मार दिए गए, ऐसे अवतार कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कुछ अवतार ऐसे जिन्होंने बदला लिया, जिन्होंने हथियार उठाए, लेकिन जिन हथियारों का नाम मैं ले रहा हूं, जिन अवतारों का नाम मैं ले रहा हूं, इन लोगों ने किसी के ऊपर कोई हथियार नहीं उठाया, मारा पीटा नहीं, बल्कि सहन किया। उस जीते परमेश्वर को सिर्फ बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, वो आज गवाही बन चुके। आमेन। वो अवतार है मेरी दृष्टि में, पॉल अवतार है मेरी दृष्टि में, लेकिन बाइबल नहीं कहती ना। लेकिन मैं तो कह रहा हूं आपकी दृष्टि में अवतार वही है जो परमेश्वर की मर्जी को धरती पर आकर के प्रकट करे। तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा करा, सहनशीलता परमेश्वर का जो गुण है, दया का परमेश्वर का गुण है, प्रेम करने का परमेश्वर का गुण है, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार करा उसका। तो इनसे बड़ा तो अवतार मैं सोचता हूं कि कोई हो ही नहीं सकता। इन्होंने बड़े काम किए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप का अवतार नहीं कहा। बाइबल में कहीं पर भी इनको कोई अवतार नहीं कहा गया, बाइबल में सिर्फ के दास थे, प्रभु के सेवक। और एक एक बड़ी आशीष इनको मिल गई, एक बड़ी आशीष मिल गई, एक अच्छी और सीधी और सच्ची सेवा करने के द्वारा, वो थी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों में ये काउंट कर लिए गए। यहोना एक और उसके बारह में क्या लिखा हुआ, कोई इतने पढ़ सकता है? यहोना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके बारहवें पद में क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति इसको मिले दो। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया, दर्जा दे दिया, अधिकार दे दिया। आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं और जितने लोग उस परमेश्वर को स्वीकार
स्वीकार करते हो ना, अब इसीलिए मैंने आरंभ में बोला था कि आप सब चीज परिभाषित कर सकते हो, सबकी परिभाषा सुना सकते हो, लेकिन परमेश्वर की परिभाषा नहीं सुना सकते। इसीलिए कह रहा है जितनों ने उसे स्वीकार, तो कौन है जिसको स्वीकार करने की बातचीत यहां पर की जा रही है? Who is that? वो कौन है जिसको स्वीकार करने से हमको परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनने का अधिकार मिलता है, जिसको स्वीकार करने से हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसको स्वीकार करने से हर एक अंधकार की शक्ति मेरे को टच भी नहीं कर सकती, जिसको स्वीकार करने से मेरा और आपका जीवन सहज और सरल हो सकता है, जिसको स्वीकार करने से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको स्वीकार करने से हम उसके पुत्रत्व में शामिल हो सकते हैं, हम उसकी औलादे हैं, उसके पुत्रत्व में हम औलाद शामिल हो सकते हैं कि हम उसकी औलादे हैं। बड़ा सरल है, मिलता तो बहुत सरल से है, बहुत सरल से मिलता है, बहुत ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, धन दौलत खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तीर्थ स्थलों पर नहीं जाना पड़ेगा, दूर यात्राएं नहीं करनी पड़ेगी, तप तपस्याएं नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, सरलता के साथ में आओ और खोज के समान खोजो। खोज कैसी होती मन में? दिल से। कैसे होती खोज? यदि आपका 1,000 रुपए कहीं खो गया हो तो आप सोचो कैसे खोजोगे? ना बताओ, एक धनवान व्यक्ति थोड़ी सी कोशिश करेगा उसके छोड़ देते, उसके कई हजार पड़ेगा, इसलिए उसको चिंता नहीं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का 1,000 चला गया तो खोजता रहेगा, टेंशन है, करेगा और दिल से खोजता रहेगा, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जिसको वो मानता होगा ना उससे भी बोलता रहोगा तेरे अंदर, मिल जाए प्रभु मिल जाए, 1,000 बड़े मुश्किल से बच्चे के फीस कटा के, वो तरह तरह की बातें करेगा, और एट लास्ट एट द एंड जब उसको मिल जाता है तो आप सोचो एक कैसा आनंद उसको मिलता है, मिलता है ना, एक अलग आनंद मिलता है उसको। जिस दिन परमेश्वर मिल जाएगा ना, यदि इस तरीके से उसको ढूंढोगे तो एक अलग आनंद है जो यहाँ पर था, वो आनंद आपको मिलेगा जो यहाँ पर था। अब बहुतों को वो आनंद का एहसास नहीं है, लेकिन बहुत लोग उस आनंद में आज डूबे पड़े, बहुत से लोग उस आनंद में आज खोए हुए थे और देखने वाले देखते थे क्या हो रहा है, आज तो ज्यादा लोग हैं, आज तो जेंट्स भी बैठे चले जा रहे हैं, आज चक्कर क्या हुआ, आज जिनको सोच नहीं सकते थे हंटे कट्टे बच्चे कर रहे हैं, क्या चक्कर हो रहा है, वो आनंद आ गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जिस चीज को मैं आपके साथ में व्यक्त करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो है हम मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार और साझेदार हैं। क्या है? हम मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार और साझेदार हैं। कुछ इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ है, We are sharer in the sonship of Christ. We are sharer in the sonship of Christ. किसके? हम मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार और साझेदार हैं। मतलब क्या होता है? मैंने कोई बिजनेस शुरू करा और उस बिजनेस में मैं मेन मुख्य हूं, लेकिन मैंने कहा कि बड़ा काम है, मार्केट में भी जाना पड़ेगा, एक काम करते हैं, एक पार्टनर लेते हैं, लेते हैं, जोर से बोल सकते हैं, पार्टनर से पता चलेगा कि आप जा रहे हैं सो रहे हैं, रात का कितना तेज नींद आती है, कोई सो नहीं रहा, जाके जितने लोग जाके जोर से बोले हालेलुया, सोए वाले भी बोले जरा, तो सो रहे हो भी जोर से बोले हालेलुया, कल से आए हो तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि चलो किसी को पार्टनर बना दे, क्योंकि ये सारा काम इसको मैं कैसे हैंडल करूं, टीम तो चाहिए। मैंने पार्टनर बनाया जो जिम्मेदारी मेरी वही जिम्मेदारी उसको मैंने सौंप दी, तब उतना ही रिस्पॉन्सिबल उतना ही हिस्सेदार वो भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना,
ध्यान से सुनना, यदि ये कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा तो दुर्घटना घटे, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ के रखिएगा, कहां से शुरुआत हुई है और कहां पर एंड होगा, ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने पार्टनर बनाया तो पार्टनर क्या हो गया, मेरे काम का हिस्सेदार और साझेदार बन गया। अब जो मैं कर रहा हूं वो भी करेगा, जो मैं बता रहा हूं अब वो भी बताएगा, क्योंकि वो भी हिस्सेदार और साझेदार हो गया। इन द सेम मैनर आज जितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, मान लिया, प्रभु ने उनको अपना पार्टनर बना लिया। आमेन। और आज जो काम परमेश्वर का था ना, वही काम उनका भी है, और वही काम को वो भी ईमानदारी के साथ में शेयर करेंगे और बांटेंगे। आमेन। समझ पा रहे ना, ये होता है पुत्रत्व। पुत्रत्व का मतलब होता है पिता के साथ में संबंध, है ना, स्वामी के साथ में आपका संबंध। मैं और आप दास नहीं है, वी आर अ पार्टनर। मैंने आपको बताया पुत्र कभी भी दास नहीं होता। पुत्र कभी दास होता है? कौन होता है वो? मालिक, स्वामी। वो भी है, बाप के जाने के बाद उसको क्या दर्जा मिलेगा? उसको दास तो कोई नहीं बोलेगा, स्वामी बोला जाएगा। आपने पुराने भक्तों की यदि बातों को सुना हो तो जब राजा बन जाया करते थे तो उनके स्थान पर उनके बेटे राजा बन जाया करते थे, क्योंकि उसी अधिकार के साथ में वो वहां पर सम्मानित किए जाते थे और वही सम्मान के साथ में उनको बुलाया जाता था। यहोशापात ने अपने बाप के, यहोशापात एक राजा था यहूदा का, और अपने बाप के समान परमेश्वर के भय में काम किया। तो इस बात को हमेशा बाइबल के अंदर रखते हैं कि वो अपने बाप के समान ही परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीता रहा। ठीक उसी प्रकार से ये राजा लोगों ने भी कमान संभाली, ये नबियों ने भी कमान संभाली, और अनुयायियों ने भी कमान संभाली, और भविष्यवक्ताओं ने भी कमान संभाली, और प्रेरितों ने भी कमान संभाली, और आज के युग के याचकों ने भी कमान संभाली। कमान संभाले में वी आर शेयर। हम परमेश्वर के काम को क्या कर रहे हैं? हम शेयर हैं, और अब शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो चीजें, एक होता है शेयरर, एक होता है शेयर। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, मतलब कि जिस काम के लिए मैं नियुक्त किया गया हूं मैं उसके साथ शेयरर हूं, और जिस काम को मैं बांट रहा हूं मैं उस काम को शेयर कर रहा हूं। और ये काम क्या है? परमेश्वर का वचन जिसको नहीं मालूम था उसके साथ में शेयर कर रहा। आमेन। और जो सीख गया, जो समझ गया, मैंने कहा कल तुम इस काम को करोगे, तो हम और वो अब शेयरर बन गए। आमेन। आमेन। अब वो काम को, उस श्रृंखला को जोड़ने का काम करके उस काम को शेयर करेगा, वही करेगा जो उसका पुत्र होगा। आमेन। वही करेगा जो उसके पुत्र तुम्हें शामिल होगा, वही करेगा जिसका संबंध अपने पिता के साथ में, अपने स्वामी, अपने मालिक के साथ में होगा। और वो नहीं कर पाएगा, वहां से श्रृंखला टूट जाएगी जो आधा अधूरा विश्वास के साथ में आया है। जो सिर्फ चटकाई को लेने के लिए आया ना, वो शेयर नहीं कर सकता। उस जुनून के साथ में, उस लगन के साथ में, उस धुन के साथ में, उस जोर के साथ में, उस प्रभाव के साथ में नहीं बता सकता, उस पीड़ा के साथ में नहीं बता सकता। उसको उसको वो वाली धुनी है, उसको वाली धुनी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो चलो छोड़ो जाने। एक प्रयास हमारा होना चाहिए सटीक तरीके से बताइए, तब वो स्वीकार करता है तो ठीक है, बाकी फिर नाम उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। बाकी हमको बड़े अच्छी तरीके से बताती है, वी आर शेयर इन द सनशिप ऑफ क्राइस्ट। भाभी हमको इस बात बताती है कि हम मसीह के पुत्र में हिस्सेदार और साझेदार हैं, और हमारा काम क्या है? परमेश्वर के काम को फैलाना। नए नियम के अंदर नया नियम इस बात को बताता है कि परमेश्वर के पुत्र कौन है। परमेश्वर के पुत्र वही लोग हैं, परमेश्वर की संतानें वही हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करती हैं।
और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती वो उनकी संतानों में कभी उनकी काउंटिंग नहीं हुई है। काउंटिंग कौन करेगा? अपनी गणना हम आप नहीं करेंगे। अपनी की गणना कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। उसको मालूम है यीशु मसीह लिखकर के लेके गया। यूहन्ना ने जो समाचार उसके पत्र में अध्याय के लिए आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा पिता के पास जाता है। तेरे का अध्याय मालूम क्या करता है? यूहन्ना 14 में क्या करता है? मैं जाता हूं अपने पिता के पास जगह तैयार करने। क्या कहता है? मैं जाता हूं अपने पिता के पास जगह तैयार करने ताकि जहां वहां तुम भी। यानी कि अब हम दो है पार्टनर है तो हम एक नीचे और एक ऊपर कैसे हो सकते हैं? हम 50-50 के पार्टनर है तो एक समान अधिकार हो गया ना, एक समान अधिकार हो गया। इसीलिए परमेश्वर पुत्र ने मुझको और आपको एक समान अधिकार देने के लिए, एक समान अधिकार देने के लिए वो पिता के पास गया और पिता से कहा आज वो लोग भी वैसे ही सताए जा रहे हैं जैसे हमको लोगों ने या मुझे सताया। अब पिता ने ध्यान रखा वहां पे गणना की गई कौन कौन है, कौन कौन है वो लोग। वो बड़ी भीड़ है, उसकी गणना करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक पैरामीटर है जिसमें से होकर के वो निकलते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है कि कौन सत्य है और कौन झूठे। क्योंकि परमेश्वर को हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों की जांच करने में घंटों नहीं लगेंगे, उसके लिए सेकंडों का काम है कि कौन विश्वासी और कौन। इसीलिए आप सोचो कि आपको गेहूं साफ करना हो तो गेहूं और धान क्या होता है दूसरा? गेहूं के साथ में पता धुल क्या भूसी। गेहूं और भूसी को कोई गिन गिन करके अलग करता है क्या? नहीं, आपका तरीका अलग है और परमेश्वर का कल्याण अलग है, उसका तरीका अलग है। हमें उसको अच्छी तरीके से आता है और आप क्यों करते हो और पता नहीं क्या तरीका है। क्या परमेश्वर ने बुद्धि दी कि गेहूं गेहूं रह जाता है और भूसी भूसी? जब आप कर सकते हो तो सोचो ना उस स्वर्ग का पिता वो कैसे करे। हमें वो भी क्यों फटेगा तो जितने दुष्ट है नीचे और जितने शुद्ध है वो ऊपर ही बने रहेंगे और बकरियां और भेड़े अलग अलग हो जाएंगे। देखते देखते हमें परमेश्वर ध्यान रखिए और हम और आप उस परमेश्वर की औलाद बनने के लिए पता नहीं कितना तैयार है कि नहीं तैयार है। यदि तैयार है ना तो हमको और आपको उसके वचन के ऊपर बड़ी सटीकता के साथ में ध्यान रखने की जरूरत है। उसके वचन को पढ़ना, वचन को खा लेना है ना, इतना पढ़ना इतना पढ़ना कि हर बात के अंदर परमेश्वर के वचन को हम क्लेम कर सकते हैं। तब परमेश्वर का वचन क्या होगा हमारे जीवन के अंदर इस कदर बसेगा, इस कदर बसेगा कि हम दूसरों को सिखाने के लिए दक्ष हो सकते हैं। लिखा हुआ है बड़ा खूबसूरत चीजें यहां पर बताई गई हैं। कुछ चीजों को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट्स को आपके साथ में शेयर करूंगा। नंबर वन पॉइंट, हम यीशु के पुत्रत्व को बांटें, फैलाएं, लोगों को बताएं तो सही कि कैसे हम उसके राज्य में हिस्सेदार बन सकते हैं, कैसे हम उसके पुत्र और पुत्री बन सकते हैं। आपको जितने लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, गूगल इस्तेमाल करते, कोई चीज पता नहीं चलती ना, सीधे उस पर टाइप करते और उसके डिस्क्रिप्शन को खोल करके बंदा एक एक चीज अपने चैनल से बताना शुरू करता है। उससे पहले कहता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है उस पर दबा दो, ऑल पे क्लिक मारो और उसके बाद में सुन लो ध्यान से, है ना। तो हमको क्या हल मिलना शुरू हो जाता है, हमको पता आना शुरू होता है कि क्या चीजें बताई जा रही है और उससे हम क्या होते हैं शिक्षित होने शुरू हो जाते हैं। मेरा आपसे कहना है कि अब हम और आप जब परमेश्वर के काम को कर रहे हैं तो हम और आप परमेश्वर के काम को शेयर करें, परमेश्वर के काम को फैलाएं और उसको बांटें। आज की तारीख में लोगों ने बांटना शुरू कर दिया है। YouTube चैनल पर आप
ढूंढेंगे एक मिलेंगे हजार, है ना, क्योंकि एक नई नई टेक्निक देंगे परमेश्वर की बुद्धि लेकर। परमेश्वर अपने काम को सिद्ध कर रहा है, लोग उल्टे काम को कर रहे, कोई बात नहीं, वो दोनों बढ़ेंगे और आगे तक ये जंगली घास जब बढ़ी जाएगी वो अलग निकाल दी जाएगी और सही सही बटोर ली जाएगी। तो परमेश्वर आज के युग में दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है, जंगली घास भी बढ़ रही है और अच्छी शुद्ध फसलें भी बढ़ रही है। तो अब हमको देखना है कि हम जंगली घासों के ऊपर ध्यान तो नहीं लगाते, अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे नहीं लगा रहे, लगा रहे ना, तो परमेश्वर के अच्छे दासों के द्वारा हमको अच्छी शिक्षा सीखने को मिलेगी। आप टाइप कर लो कि रात की प्रार्थना कैसे की जाए, तो आप वह बोलते हो उसमें स्पीकर पे बोलते हो तो आ जाती है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हो दिख जाते हैं रात की प्रार्थना से, दिन की प्रार्थना कैसी है ना, सवेरे की प्रार्थना कैसी, तड़के की भोर की प्रार्थना कैसी, रात में 12 बजे वाली बात की प्रार्थना कैसी, सब आ जाता है। आराधना कैसे करें, आराधना क्या है, सब कुछ आप बोलते हो सब कुछ आता है, इसे चर्च की आराधना आ जाए उस चर्च की आराधना आ जाए, सब आपके सामने एक खुला खजाना हो गया। क्या हो गया, एक खुला खजाना हो गया, जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन उसको अब किस तरीके से आपको और मुझको अपनाना है। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि क्या हम यीशु के पुत्रत्व को बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब उसको शेयर किस तरीके से किया जा सकता है, ये एक बड़ी बात है। उसको कैसे शेयर किया जा सकता है, मनुष्य होने के नाते हम किस तरीके से एक दूसरे व्यक्ति के साथ में परमेश्वर की शिक्षाओं को उसके पुत्रत्व को बांट सकते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, यदि आज हम मनुष्य हैं, यदि आज हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके पुत्रत्व में शामिल हो चुके हैं, उसके भय में जिंदगी को जीते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, घंटों बैठ के प्रार्थना करना हमारे कंट्रोल में है, घंटों बैठ के दुआ करना हमारे कंट्रोल में है, घंटों बैठ के मनन करना हमारे कंट्रोल में है, घंटों बैठ के प्रार्थना करना, घंटों बैठ के घंटों कई सारे उपवास रखना हमारे कंट्रोल में है और कई घंटे प्रार्थना में बैठ सकते हैं हमारे कंट्रोल में है, हम परेशान नहीं होते, हम लाते नहीं, हम रोते नहीं, हम बुड़बुड़ाते नहीं, ये सारी चीजें यदि हमारे कंट्रोल में है तो इसका मतलब कि हम इसको किस तरीके से दूसरों को बताएं वो हमें आता है। आमेन। लोगों का प्रश्न होता ना वो हमें मन नहीं लगता, लोगों कहने के लिए हम दुआ कर नहीं सकते, लोगों कहने के लिए घंटों बैठ सकते ही नहीं दुआ, लोगों का कहना क्या कहते हम उपवास नहीं रख सकते, लोगों का कहना क्या कहते हम इतनी देर तक आराधना नहीं कर सकते, लोगों कहना सब इकट्ठा नहीं पाते तो हमारा दिल नहीं करता प्रार्थना करने का, कोई कहता है कि हम रात नहीं देख पाते, कोई कहता हम सगरे नहीं देख पाते, बहुत कुछ तरीके। तो इसमें बहुत सारे लोगों के दास सामने आकर के आपके यूट्यूब टाइप करें तो आप बताने शुरू करते कैसे ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सीधा सा सिंपल सा बनकर बताना चाहता हूँ, आपको उस तरीकों पे न जा करके सिर्फ एक तरीका अपनाइएगा, प्रभु से सिर्फ बात कि प्रभु जी मैं सच्चे हृदय से आपके पीछे चलना चाहता हूँ और चलना चाहता हूँ, मुझ पर दया करिए और मुझे सिखाइए। सेम डे के अंदर घंटों बरसों सालों नहीं लगे, सेम डे के अंदर आप आत्मा में भर करके परमेश्वर से बातें करना शुरू करना, घंटों नहीं लगेंगे, आप सेम डे के अंदर, क्योंकि आप अच्छी नीयत के साथ हैं, झूठी नीयत के साथ में बड़बड़ाने वाले बोलने वाले तो हजारों लाखों की तादाद बहुत बड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, आप उनको क्या करो रूप सीधा होता रहे और आप दुआ भी करते रहो और आप आशीष भी पाते रहो और आपको अभिषेक भी मिलता रहे और आपके पास में कोई भी सेवा करने का कोई लक्ष्य है ही नहीं, वरदान सब चाहते हैं लेकिन वरदान को आप किस तरीके से इस्तेमाल करो, सारे तो पात्र बनेंगे नहीं, माँ बाप जल्दी से डॉक्टर बना देंगे, हजारों लाखों खर्चा कर देंगे लेकिन पात्री बनाने के लिए उनको दर्द होगा नहीं बना सकते, या फिर बच्चे कैंसिल कर देंगे कि पात्री नहीं, ऐसे सेवा कर देंगे। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, ऐसी तादाद हजारों लाखों के संख्या में है वो आशीषित होते हैं क्योंकि परमेश्वर दिल जानता है, परमेश्वर मन जानता है, आशीषित सिर्फ वही होंगे जो सच्ची नीयत के साथ में आकर के बैठेंगे और उनका बैठना पता चल जाएगा, उनका बैठना परमेश्वर को पता है क्योंकि परमेश्वर मन को जानता है। आमेन। और जो इस नियत के साथ में गया अवश्य है कि उसको घंटों नहीं लगने वाले, वो पार करके लौटेंगे। आमेन। आपका उपवास रखने का तरीका बहुत अलग है, आपके उपवास करने के तरीके के अंदर आपका मन लगने लग जाएगा,
और आप परमेश्वर के साथ अपने समय को देना शुरू करें और उस दिन के अंदर से आपके अंदर चेंज आने शुरू जाएंगे। क्या होने शुरू जाएगा? चेंज। क्या आप अपनी आज की इस स्थिति के अंदर, जो भी आपकी आत्मिक दशा, मैं नहीं जानता परमेश्वर जानता और आत्मा, इस दशा के अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हो? वेरी गुड। मालूम है बहुत त्याग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहुत त्याग देना। जाड़े में घर छोड़ करके जरा चर्च में आकर के बैठ के अकेले दुआ कर सकते हो? बहुत लोग कर सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं। जितने हाथ खड़े हो ना, मैं उसके हिसाब से बता, मैं उसके अनुसार बता दू। आप अपने कमरे को छोड़ करके दूसरे कमरे में बैठ करके सवेरे 4 मिनट करके प्रार्थना नहीं कर सकते? बहुत लोग कर सकते हैं और करते हैं, है ना? लेकिन जब तक ये त्याग नहीं होगा ना, जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक आराधना आराधना नहीं दिखेगी, प्रार्थना प्रार्थना नहीं दिखेगी, वचन वचन नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आए और चले गए हवा में। परमेश्वर से कम से आपसे त्याग ना। हमारा धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं कहता, वो तो आप अपने आप बाद में देना शुरू करोगे। अभी ना गवाही थी ना, सपना ने अपने भाई की गवाही दी थी, उसने कहा सिर्फ बोना शुरू करो, उसने बोना शुरू करा, उसको परमेश्वर ने उस जगह पे ला करके पहुंचा दिया, जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन थी उतना उसको मिलना शुरू किया। लेकिन क्या हम परमेश्वर से बड़े हुए? हम परमेश्वर को देना तो सीख गए, लेकिन परमेश्वर के भवन में भी आना पड़ेगा, और वो भी प्रार्थनाएं के घर में विश्वास के साथ कर्म की जा रही होगी। और अवश्य ये एक दिन वो जब आएगा ना, उस दिन उसकी लाइफ का बड़ा चेंज। इसलिए आज हमको और आपको परमेश्वर के साथ में कभी भी परमेश्वर को पैसों के साथ में हम नहीं, लेकिन एक छोटे स्तर पर जब लोगों को सिखाया था ना, तो इसी तरीके से सिखाया था कि तेल लगा करके दुआ कर दी जाए, पानी पे दुआ कर दी जाए, ये उंगली पकड़ के जो बच्चों को चलाया जाता ना, ये वो तरीका है। लेकिन एक दिन उंगली तो छूटनी छूटनी, और कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ कि सबकी उंगली छूटे और सब इंडिपेंडेंट होकर के परमेश्वर के नाम खोलने वाले। अगर चर्च नाम खोल ले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता लगा जी अब तो मैं बहुत बड़ा पापी हो गया, तेरे दुआ करी पर तेरे कौन गिरा। अपने चर्च को बिल्ड कर मजबूत कर। कब आप देखिए सेवा सेवा दिखाई देगी और काम काम की तरह दिखाई देगा, और सब चीज इतनी सरल हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। आमेन। तो इस चीज को बताना चाह रहे थे कि हम अपने अच्छे आचरण और अपने अच्छे स्वभाव से हम प्रभु के उस पुत्रत्व को बांट, परमेश्वर के पुत्र पुत्री कैसे दिखाई देंगे? परमेश्वर के समान। बाइबल में लिखा हुआ है, जरा निकाल लीजिए जरा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद को पढ़िए, जरा क्या लिखा हुआ है। चलिए मैं पढ़ता हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे सब चीजों के ऊपर अधिकार। मैंने आगे की लाइन को वो करके सब चीजों के ऊपर अधिकार दे दिया। 27 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। किसके स्वरूप के अनुसार? अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और लिखा हुआ है अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। क्या करो? उसको अपने वश में। हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? बताइए ना, किया। कितने लोग कहते हैं हमने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया? प्रूफ कर लेना भैया। चलिए कोई बात नहीं,
सबके ऊपर हमने क्या करा, अपना कब्जा बना लिया। मछली के ऊपर तो कब्जा, जानवर के ऊपर तो कब्जा, सबके दिखाते ना शेर को लेकर, शेर से क्या जानवर, इंसान का इंसान के ऊपर कब्जा, बिल्डिंग के ऊपर कब्जा, हर चीज के ऊपर, आज पूरा चांद के ऊपर भी कब्जा बना रखा है, सब जगह कब्जा। लेकिन एक गलती हो गई, परमेश्वर की समानता जो थी वो खत्म हो गई। किसके द्वारा? पाप करने के द्वारा। किसके द्वारा? पाप करने के द्वारा। वो जो समानता थी ना, जो स्वरूप एक जैसा था, खूबसूरत था, वो खत्म। और आज ये जीवन कैसा हो गया? पापी जीवन। कैसा जीवन हो गया? पापी जीवन। इसीलिए ये पापी जीवन जो है ना, अपने जीवन से परमेश्वर को क्या नहीं कर पा रहा, महिमा नहीं दे पा रहा। दिल से महिमा देना और मुंह से, तो देखिए मैं बता रहा हूं, मुंह से तो सारे महिमा देंगे, कोई एक भी नहीं बचेगा जो परमेश्वर को महिमा दे। यहां पे बैठा हुआ, यहां पर बैठा हुआ, एक एक जन मुंह से परमेश्वर को महिमा दे सकता है, लेकिन दिल और गुर्दों को जानने वाला जब ख्याता भी नहीं होगी ना, तो बहुत रेयर लोग निकलेंगे विश्वास। इसीलिए परमेश्वर के राज का विस्तार स्पीड के साथ में नहीं हो पाता। इसीलिए परमेश्वर के राज का विस्तार जो है स्पीड के साथ में, तेजी के साथ में नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम हमारे हाथी के साथ खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। हमारा विश्वास दिखाने का कुछ और है और करने का कुछ और हो जाता है ना। इसीलिए हम अपने परमेश्वर को या दूसरे व्यक्ति के साथ में एक अच्छे शेयर बन करके परमेश्वर के पुत्र को शेयर नहीं कर पाते। अच्छे साझेदार होने के नाते हम परमेश्वर के राज्य को अच्छे तरीके से बांट नहीं पा रहे, फैला नहीं पा रहे, क्योंकि जब फैलाना है ना, तो हमको अपने जीवन से फैलाना है, अपने कामों से फैलाना है, वो अशुद्ध है। वो कैसे है? जिसको हमने कभी किसी के सामने उजागर, वो अशुद्ध। ये मेरा पहला पॉइंट था जिसके साथ मुझे आपको बताना चाहता था, ये हमारे जीवन की बड़ी कमी है कि हम इस तरीके से परमेश्वर के काम को शेयर नहीं कर पा रहे। और जो कर पाता है ना, वो परमेश्वर के राज को आप कहीं पर भी देखोगे ना, शहर में, गांव में, कस्बों में, शहरों के अंदर, गलियों के अंदर, और अस्पतालों में, और वेश्यालयों में, और जहां पर कैदी लोग रहते हैं, कैदियों के बीच में, सब जगह परमेश्वर के राज्य को फैला रहा है। अकेले जाकर के उसकी शुरुआत कब हुई? अकेले। किसी भी व्यक्ति की शुरुआत कब होती है? अकेले होती है। उसके बाद में वो अपने साथ में कोई बंदे को चुनता है जिसको वो देखता है ये अच्छा है, जिसको वो देखता है कि अच्छा है, ये मेरे कार्य को, इसके अंदर भी वही वाला स्प्रिट है, ये उसी स्प्रिट के साथ में काम करता है, तो वो जिम्मेदारी को क्या करता है? पास ऑन करता है, उसको अपना शेयरर बनाता है। और तब वो उसी आत्मा में होते हुए उस काम को शेयर करता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट को हम आपके साथ में शेयर करेंगे, वी शेयर इन हिज सनशिप बाई पार्टिसिपेटिंग ह्यूमन स्ट्रगल। हम मनुष्य के संघर्षों के बीच में भी, अब लोगों की समस्याएं क्या होती है, जी हमारे सामने ये समस्या, हम कैसे चर्च में जाएं, हम कैसे चर्च में जाएं, हमारे घर के लोग मना कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग मना कर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं, आने के लिए, बहुत कुछ समस्याएं भंडार है आपके पास ना, तो वो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर समस्याओं के भंडार है। और इस समस्याओं को दूर करने वाले परमेश्वर के कुछ ऐसे दास हैं जो परमेश्वर के उन कामों को, जिन संघर्षों में वो होकर के निकले हैं या सहन करते हैं, उन कामों को और उन बातों को क्या कर रहे हैं, दूसरों तक उनकी जिंदगी को सरल बनाते हैं, प्रभु में चलने। अब आप सोचो पॉल कैसा व्यक्ति था? सताने वाला था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के रूप में उसको छुआ, उस दिन कैसा हो गया? बचाने वाला। उस दिन कैसा हो गया? जब तक मरा उसकी जिंदगी का संघर्ष खत्म हुआ? बताइए ना, तो क्या प्रचार कर सकता है? क्या प्रचार करेगा दूसरा? उससे बोलेगा नहीं, ए भैया अपने आप को बचा नहीं पा रहा,
और दूसरों की बात करना है। अब इस कंडीशन को प्रचार करना कितना कठिन होगा सोचो। दूसरा व्यक्ति क्या सोचता मालूम है? वो प्रभु के पास क्यों आता है? दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु के पास क्यों आता है बताइए ना। हमको सारी चीजें अच्छी चाहिए पादरी साहब। मेरे घर में ये समस्याएं ढूंढी हो रही, मेरे घर की बीमारी ढूंढी हो रही, मेरा मकान नहीं बन पा रहा, मेरा बेटा बाहर नहीं जा पा रहा, मेरी बेटी शादी नहीं हो पा रही, मेरे घर की ये समस्या, मेरे घर की वो समस्या, मेरा कर्ज नहीं दूर हो पा रहा। ये सिर्फ एक लिस्ट तैयार होने के बाद में, जब तक ये लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो प्रभु यीशु मसीह को कंप्लीट स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब इस लिस्ट के साथ वो चर्च में आते हैं और इस लिस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, इस लिस्ट को गाना शुरू करते हैं, और यदि ये लिस्ट का कोई भी एक पहलू छूट जाता है ना तो वो उसी को गिनाते हैं तो बुरा ही हुआ पंडित साहब। अब फादर साहब क्या करें? काम तो परमेश्वर का है भैया, तुम्हारी इच्छा है, उसको मुक्ति दाता तो स्वीकार करो, करने का दिल करके तो करो, नहीं करने का दिल करता तो कहीं और चले जाओ। और लेकिन हम उस संघर्षों में रह करके उनको अवश्य क्या करते हैं, चीजों को बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सेवा आसान नहीं है, कठिन है, संघर्षों से भरी हुई है। मैं हमेशा पॉल के विषय में सोचता हूं कि लोग उससे पूछते हैं तुम कैसे कर रहे हो, तुम तो खुद समस्याओं में गिरे, तुम्हारा तो घोड़ा, तुम्हारा तो दर्द, तुम्हारा तो कांटे को भी चुभा हुआ जिसकी वजह तुम रोते हो, तो दूर हुआ नहीं तुम्हारा। अब किसी दूसरे व्यक्ति को कौन बताएगा कि मेरी निर्बलता में प्रभु मुझे बल देगा? ये कौन सा आत्मा है आत्मा में? ये सिर्फ पवित्र आत्मा जो मुझको समझाता है, मुझको सहनशीलता देता है, लेकिन ये वाला सेम आत्मा सामने वाले व्यक्ति के पास तो नहीं है। जिस दिन वो उसे टच करेगा ना, उसी दिन वो व्यक्ति उसी तरीके से सोचना शुरू करेगा। आमेन। इसको समझिए, जो आत्मा मेरे पास में है, मेरे दर्द और मेरी पीड़ा को, मेरी निर्बलताओं को, जब मैं परेशान होता हूं उस निर्बलता को, परेशानी के वक्त में मुझको बल देता है, और मैं आत्माओं को खोज करके हंसना और सेवा करना शुरू कर देता हूं, वो आत्मा जो मेरे अंदर बसा है उस आत्मा को दूसरों के साथ में जब दिया जाता है, जब उसके पास जाता है, वो बंदा उसी स्पिरिट में आकर के मेरे उस बोझ को, मेरी उस अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहा है, तब वो उस बोझ को, उस पुत्रत्व को दूसरों के साथ बांट सकता। उससे पहले कोई नहीं बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है वो स्प्रिट का काम होना मजबूत, वो आत्मा का काम होना मजबूत। इस चीज को समझना मेरे रक्त में मजबूत। मैं आपको बता रहा हूं कि एक विवाह जब होता है ना, जब एक लड़का एक लड़की का विवाह होता है, तो विवाह एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, इस बात को ध्यान रखिए। बाइबल कहती है व्यवस्था ग्रंथ उसके साथ में जाए के अंदर अन्य जातियों के साथ में या असमान जुए में मत झुको। धर्मी का बलियाल के साथ में क्या नाता, परमेश्वर का बलियाल के साथ में क्या नाता? बलियाल मतलब शैतान, उसके साथ उस परमेश्वर का क्या नाता? आप शैतानी जीवन को लेकर के एक पवित्र स्त्री के साथ में विवाह करने जा रहे हो, तो आप कितने समय तक उस विवाह को स्थिर बना करके रखोगे? जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। कितने दिनों तक उस विवाह को, क्योंकि विवाह का जिस दिन होता है ना, विवाह के अगले 2 महीने या 5 महीने, विवाह के अगले 5 महीने सब मामला सेट रहता है, 1 साल तो बिल्कुल सेट रहता है। 1 साल के बाद में शैतान अपना रोल निभाना शुरू करता है। इसीलिए पासवान लोग इस बात को बोलते हैं और जोर टांग करके बोलते हैं, प्रचार के साथ बोलते हैं, विश्वासियों का विवाह विश्वासियों के साथ में ही। जब दोनों पहिए एक ही नंबर का, आपने देखा हो गाड़ियों के नंबर भी एक ही होते हैं, कारों के नंबर भी 2 टायर होते हैं, दोनों के नंबर सेम नहीं है तो भी गड़बड़ होगा, छोटा सा फर्क होता है। क्या फर्क है? छोटा सा फर्क है लेकिन नंबर सेम है। आप सोचो हमारी लाइफ के अंदर पार्टनर दोनों सेम विश्वास के साथ में नहीं है तो ध्यान रखना गड़बड़ियां तो होंगी। 100% दुनिया की कोई ताकत गड़बड़ी को होने से रोक नहीं सकती, गड़बड़ियां तो होगी, और उस गड़बड़ी के अंदर यदि संतान पैदा हो गए ना तो वो भी गड़बड़ पैदा होगा। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह ही उत्पन्न होता है, तो गड़बड़ी ही पैदा होगी, और जब जनरेशन पैदा होती चली जाएगी ना तो लाइन से सारी गड़बड़ जनरेशन।
और जिस दिन आत्मिक जनरेशन पैदा होना तो लाइन से आत्मिक जनरेशन आमेन। तो ये एक ऐसा पहला विवाह परमेश्वर के साथ में कैसे होता तो मालूम है, पहला विवाह परमेश्वर के साथ में कैसे हो सकता कोई बता सकता मुझे? पहला विवाह परमेश्वर के साथ में कैसे हो सकता कोई बताएगा? बताइए। पहला विवाह आपका रिश्ता प्रभु के साथ में कीजिए। दूसरा वाला तो रिश्ता ही लग रहा है ना, दूसरा वाला क्या हो रहा है, रिश्ता लग रहा है ना। पहला वाला रिश्ता लगा चुके हो कि नहीं लगा चुके हो? यदि वो रिश्ता सही है तो आप सही रिश्ते को ढूंढोगे, यदि वो रिश्ता सही नहीं ना किसी को भी उठा लो, सरकारी होना चाहिए है ना। सबसे पहली कोशिश तो यही होगी भाई, अपनी जाति का होना चाहिए, चढ़ जाते हैं लेकिन जाति ढूंढेंगे। अपनी बिरादरी का होना चाहिए, चाहे बाद में ले करके वो सुझा ले, लेकिन बिरादरी जरूर होनी चाहिए, जाति जरूर होनी चाहिए। विश्वासी आपको चढ़ जाने से कभी नहीं रोकेगा, विश्वासी आपको प्रार्थना करने से कभी नहीं रोकेगा, विश्वासी खुद प्रार्थना करेगा, मिल करके प्रार्थना करेगा, फिर जो संतान पैदा होगी ना वो लाजवाब तो इसीलिए सनशिप ऐसे ही थोड़ी ना संभाली जा सकती है, उसके पुत्रत्व में ऐसे हिस्सेदार नहीं बना जा सकता है। उसके लिए हमको एक नई सोच के साथ में काम करना, आगे बढ़ना, तब हम आशीषित होंगे। मेरा दिल इतना कर रहा है इसको एक्सप्लेन करने का, बहुत सारी बातें हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ आपके साथ, लेकिन मैं विराम दूंगा इस चीज के ऊपर, ताकि आप, मैंने कब बोला आपको पवित्रात्मा ज्यादा समझ गया, आज जब आप बिछौने पर हो, जब इस वचन को सुन रहे हो, इस वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो पवित्रात्मा आपको ज्यादा सिखाए, और इस बात को सिखाए कि संघर्षों के बीच में रहते हुए किस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य का विस्तार, उसके पुत्रत्व में कैसे हिस्सेदार बन करके उस हिस्सेदारी को निभा सकते दूसरों के साथ में। तीसरी और अंतिम बात बोलकर के खत्म करूंगा, यदि आज हम परमेश्वर के साथ में हिस्सेदार हैं तो उसके परमेश्वर के सत्य ज्ञान को हम क्या करें, दूसरों के ऊपर रिवील करें, दूसरों के ऊपर सत्य ज्ञान को क्या कर दें, छोड़ दें, दे दें, बता दें, समझा दें, और उस दिन वो बंदा क्या होगा। अब आप सोचो ना, इतने सारे लोग जा रहे हैं कि अंदर अपने रजाइयों को दो दो तीन तीन रजाइयों को निकाल करके जब साथ में दिखा रहे हैं पूरा बहुत जबरदस्त, कैसे करेंगे नहाना धोना पीएस और घर के चार पांच लोग अंदर निकल के आना, बीस से पचास पचास साठ साठ सत्तर सत्तर किलोमीटर, तो हम लोग एक बार पांच वाले सोचते कोई बात नहीं, आज भी लोग अरे 9 बजे 10 ही बजे के तो चढ़ते 10 से 10:15 हो सकता है, कोई बात नहीं 9 बजे आएंगे। और लेकिन जो बहुत दूर से आ रहे उनको तो 7 बजे 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ना ही पड़ के, नहा धो के काम करके निपटा करके बस का इंतजार करके और ठंडे को सहन करते हुए निकलते हैं आप पड़ेगा। आप सोचो तो ये तभी हो रहा है जब हमने उसके परमेश्वर के सत्य ज्ञान को सीखा, जब हमने सत्य ज्ञान को सीखा ना तो उसने हमको विवश कर दिया यहाँ तक आने, आमेन, उसने हमको विवश कर दिया यहाँ पर आने, और तब हम यहाँ पर आकर, और फिर जब यहां पर आए तो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया हमें, क्या दिया, क्या दिया, जोर से बोलो ना, उपहार, क्या दिया, उपहार। और उस उपहार को क्योंकि हम प्रार्थना करके निकले, परमेश्वर बाहर चाहिए प्लीज आज ऐसी आराधना हूं कि मैं उसमें आपसे खूब प्रार्थना, और जब आराधना में बैठा ना तो शुरू से प्रार्थना करना शुरू कर, प्रभु भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे, अब परमेश्वर ने ऐसा भरा कि बहुत सारे लोग भूल गए, पहली बार तो आया इंसान उसको समझ में आई हुआ था, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, क्या करा, गिफ्ट दिया, हर रविवार आपके लिए गिफ्ट परमेश्वर लेके आता है, हम सबके लिए गिफ्ट लेके आता है, धन्य हो जीवित और समर्थ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन से प्रभु आपने हम लोगों को भरा है
परमेश्वर हम दूसरों तक बांटने में प्रभु इतने साकार हो सके, इतने तीव्र और इतने तेज हो सके कि हमको उनको सिखाने में अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से उसको फैलाने में वक्त ना हो, उनके उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष में हम अपने संघर्षों को गवाही के तौर पर दिखा करके, बता समझा करके उनको विश्वासी बनाए और उनके साथ भी परमेश्वर के पुत्रत्व को बांट दे और उनको परमेश्वर का सत्य ज्ञान उनके ऊपर बताए और उनकी आंखें खुले और फिर वो कभी भी परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करने से न रुके और उनको परमेश्वर की ओर से वो बड़ा उपहार प्राप्त हो जो परमेश्वर ने उनके लिए और अपने विश्वासियों के लिए रखा है। परमेश्वर की दया करिए, सबको ब्लेस करिए, सबको आशीर्वाद, सारा धन, सारी सारा आप दुआ के नाम पर मांगे और एक साथ बोले।